हेलो माय चैनल एबी रॉक्स टीम्स, तो मैं आप लोगों के लिए आ गया भाई ये मैच कवर करने, जो कि खेला जाएगा यूरोपियन टी टेन लीग का, टीए वॉरिस टीआरएस के बीच 1 घंटे 48 मिनट बाद। बात करें भाइयों इसकी फाइनल टीम आपको लाइनअप्स के बाद कहाँ मिलेगी, लाइनअप्स के बाद आपको इसकी फाइनल टीम मिलेगी मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है एबी रॉक्स ड्रीम 11 टीम्स। फटाफट आकर इस पर जुड़ो और इधर आप आ सकते हो 100% विनिंग टीम हर मैच की जीत सकते हो, कुछ ऐसे बहुत विनिंग हो सकती है आपको इस चैनल पर। और आपको बता दूंगा और लाइनअप्स भी आ जाती हैं बास्केटबॉल वगैरह की जिसकी की प्रॉब्लम आती है। बात करें भाई इस मैच की, इसमें आप मीडियम इन्वेस्टमेंट करना, तो उसमें आप हेड टू हेड 3 मेंबर एंड 4 मेंबर भी खेल सकते हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट थोड़ी यार सही है करना, ज़्यादा मत करना। तो चलिए भाई वक्त आता है आपको टीम दिखाने का। बात करूँ विकेट कीपर की, तो एम रियाज के साथ जा रहा हूँ। एम रियाज के 4 पॉइंट इसलिए शो कर रहा है क्योंकि अभी इसी टीम का मैच हो रहा है, तो शुरू में जैसे कि आपको पता है 4 पॉइंट मिलते हैं उस कारण अभी ज़्यादा शो नहीं कर रहा, तो टेंशन मत लेना। आगे से बात करूँ बैट्समैन की, तो यहाँ से लेने वाला काफ़ी टॉप का प्लेयर, इसका नाम है आर जीसन। यार पहले तो ये पिछले साल का जो अगर आप रिकॉर्ड देखते हैं ये ओपनर आता था, लेकिन इस बार बहुत जल्दी आउट हो गया। पर एक तरीका भी होता है खेलने का भाई, क्योंकि है तो बैटिंग पिच लेकिन ये फिर भी आउट हुआ, तो मेरे को नहीं पता कैसे, कई बार हो जाता है, क्या पता भाइयों एक बार आउट हो गया अगली बार ना हो, इसलिए मैं इसके साथ भरोसा कर रहा हूँ। और मैं नहीं, काफ़ी जनता भरोसा करके इसको अपना आज के मैच में कैप्टन या वाइस कैप्टन भी बहुत चुन रही है। आगे से बात करूँ एम राशिद के साथ, मोहम्मद राशिद, जैसे कि आप लोग जानते हैं इस टीम का अभी मैच हो रहा है, मतलब अभी नहीं हुआ इस टीम का मैच, तो इस टीम का जैसे कि आप लोग जानते हैं मैच नहीं हुआ, तो उस कारण आप इसके साथ जा सकते हैं, क्योंकि भाइयों एम राशिद का ये बहुत मतलब 1 ईयर के बाद अब खेलेगा और काफ़ी बढ़िया रिकॉर्ड रहा है इसका, खेलने में भी काफ़ी बढ़िया है, बैटिंग ऑर्डर से बहुत ही अच्छा प्लेयर है। आर पुनियानी की बात करूँ, आर पुनियानी भाइयों टॉप का प्लेयर, मतलब राहुल पुनियानी बहुत ही ज़बरदस्त खेलता है, इसके साथ जाना मतलब बहुत ही बेस्ट, क्योंकि सेफ प्लेयर है एंड सेफ और बहुत ही ज़बरदस्त। बात करूँ भाइयों यहाँ से आपको एक और चॉइस मिलती है, बहुत ही ज़बरदस्त एक चॉइस आगे, और यहाँ से आपको मैं बता ही रहा हूँ चॉइस है ये रही भाइयों, ताजुल समन, जो कि आपको बता दूँ पहले तो अपनी टीम से ओपनर आता था और आज भी का बैटिंग में काफ़ी जल्दी आउट हो गया। मेरे को नहीं पता बैटिंग पिच पे भी ये प्लेयर्स आउट हो रहे हैं, तो शायद कुछ प्रॉब्लम तो है, क्योंकि यूरोपियन की लीग तो भाई ये बैटिंग पूरी है। बात करूँ यहाँ से ऑलराउंडर की, तो यहाँ से लेने वालों काफ़ी टॉप का प्लेयर मोहम्मद शोएब, जो कि पिछले मैच में मेरा नहीं भाई काफ़ी लोगों का कैप्टन था, और साथ ही साथ इसने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 19 पॉइंट, बैटिंग में भी काफ़ी बेकार खेल के गया। और आपको यही राय दूंगा कि भाइयों ये बॉलिंग भी करता है, तो कोई बात नहीं, एक बार हो जाता है, काफ़ी दिनों बाद भी वैसे खेल रहा है, तो बॉलिंग साइड ख़राब चली गई होगी, टेंशन मत लेना, बैटिंग भी ख़राब गई है, तो ऐसी कोई बात नहीं होती, प्लेयर पे हमें भरोसा करना चाहिए। एस सल दिन की बात करूं, पिछले मैच में सिंगल विकेट लेके गया, 50% अराउंड इसकी सिलेक्शन थी और मेरी टीम में भी था, तो ठीक है कुछ खास नहीं, सिंगल विकेट, चलो एक विकेट, 2 विकेटें गिरी पूरे मैच में, तो कोई बात नहीं, 1 विकेट इसने अपने नाम की और हमारी टीम में भी था, तो चलो यही होता है कुछ भाई प्रॉफिट करने का तरीका। आगे से बात करूँ यहाँ से लेने वाला काफ़ी बढ़िया प्लेयर एस अहमद का भी मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मैं आपको सच बता दूँ, वैसे प्लेयर का मैंने सुना है, इसके 2-3 रिकॉर्ड है पिछले, उसमें ये नॉर्मल खेला हुआ है, बाकी ऑल ओवर रिकॉर्ड इसका मेरे पास नहीं आया, लेकिन प्लेयर सही लगा मेरे को देखने में, मतलब खेलने में। आगे से बात करूँ यहाँ से लेने वाला आपको भाई टॉप का प्लेयर, जिसका नाम है ब्राह्म भट्ट, जो कि मैं आपको बता दूँ ये तो बहुत ही टॉप का प्लेयर है, ऑलराउंडर में इतनी विकटें मतलब ले सकते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, और बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त प्लेयर है भाइयों। आगे से बात करूँ बॉलर की, तो यहाँ से लेने वालों काफ़ी टॉप का प्लेयर, जिसका नाम है मिराज महबूल, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्लेयर है, इसके साथ आप जा सकते हैं, बहुत ही ज़बरदस्त खेलता है। आगे से बात करूँ यहाँ से लूँगा भाइयों ए राजीक को, अब्दुल राजीक, जो कि टॉप का प्लेयर बॉलिंग में, बॉलिंग पिच है नहीं लेकिन विकटें ले गया तो अलग बात है, लेकिन क्या करें 3 बॉलर लेने ज़रूरी है, तो मैं मजबूरी में ही ले रहा हूँ, नहीं तो मैं बॉलिंग साइड लेता ही ना। और ई हसन की बात करूँ, प्रीवियस मैच में नो एनी विकेट, ओनली 2 पॉइंट दिए इसने, 4 पॉइंट तो वैसे ही मिलते हैं, खास नहीं लगा मुझे प्लेयर्स बॉलिंग साइड इनकी। आगे से बात करूँ कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो कैप्टन मेरा रहने वाला भाई एम शोएब और वाइस कैप्टन आर जीसन, उल्टा कॉम्बिनेशन किया मैंने, आप चाहे तो इस कॉम्बिनेशन को रिजर्व भी कर सकते हैं, आप देख सकते हैं क्योंकि सबका कैप्टन ये है, तो आप सेफ जाना है तो इसके साथ जाओ, वाइस कैप्टनसी में इसके साथ जा सकते हो। मिलते हैं भाई अगली वीडियो में अगले मैच के प्रेडिक्शन के साथ, अभी के लिए बाय फ्रेंड्स, आपका दिन शुभ रहे।